Hi guys, I'm Sunil. I'm a working professional, having an experience of near about 15 to 16 years, and this is my life. Hi, my name is Kamaljit Kaur and I am 35 years old and I live in Delhi. ओके आपको कितने टाइम पहले डिसाइड किया कि आप अपनी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और कितने टाइम से बाहर जाने का सोच रहे थे? बाहर जाने का हम लोग 2014 से ट्राई कर रहे थे, 2015 कनाडा के लिए कर रहे थे पीआर का, और 2015 में एक्सप्रेस एंट्री आया। फिर उसके साथ स्ट्रगल चलता रहा। एक दो बारी आईज दिए मैंने एंड आई वाज द प्राइम एप्लीकेंट एंड शी वाज द सेकेंडरी एप्लीकेंट। उसको भी दो तीन साल हमने ट्राई किया। फिर इवेंचुअली जब देखा कि एज भी बढ़ रही है और स्कोर नहीं आ रहा है, तो देन डिसम्बर लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2020 हमने सोचा कि लेट्स लुक फॉर द स्टडी परमिट साइड नाउ बिकॉज पीआर वाज नॉट वर्किंग आउट। आपने स्पेहेड में आने से पहले कितने कंसल्टेंट से बात किया और आपको स्पेहेड के बारे में कैसे पता चला? पीरियड आने से पहले काफी बड़े बड़े इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मेरी बात हुई है। मैंने डील भी किया, काफी पैसा भी इन्वेस्ट किया वहाँ पे। नियर अबाउट इफ आई वर टू काउंट 3 या 4 कंसल्टेंट से मेरी बात हुई होगी, काफी बड़े कंसल्टेंट्स। एंड स्पीयरहेड आई गॉट टू नो फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड ऑफ माई वाइफ अर्श, एंड शी मेट अर्श थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। वहाँ से फिर हमें अर्श से बात हुई एंड देन वी गॉट टू नो दैट देर इज कंपनी कॉल्ड स्पीयरहेड, एंड देन अभिषेक सर से बात हुई एंड देन दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके सर, इस एज में लोग मेजरली पीआर पे जाने के बारे में सोचते हैं, सो आपने स्टडी वीजा के बारे में कैसे सोचा और किसने आपको सजेस्ट किया? स्टडी वीजा का ऐसा था कि हम लोग जब पीआर इतने टाइम से देख रहे थे और काफी चैलेंजिंग होता जा रहा था विद यू नो द हाई स्कोर्स एंड विद द इंक्रीजिंग एज, और बहुत ही अनसर्टेन सी चीजें हैं कि मतलब काफी क्लैरिटी नहीं है कि होगा नहीं होगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स टू इट। तो काफी सोचा, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके, क्योंकि पैसा भी इन्वेस्ट करना ही है, तो इट इज गुड दैट लेट्स नॉट वेस्ट मोर ईयर्स मोर एज एंड लेट्स गो फॉर द स्टडी साइड, क्योंकि इन्वेस्ट वहां भी करोगे आप, बट वहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप जो पढ़ाई पे पैसा लगाओगे दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर यू नो एक्सपोजर टू द कैनेडियन कॉलेजेस, प्लस यू विल गेट अ सर्टिफिकेशन, प्लस आपका एक मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है वहाँ पे उस मार्केट में, सो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पीआर इंक्रीजेस। सो देयर इज नो हार्म इन गोइंग फॉर स्टडी। ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट। जब आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, फैमिली मेंबर्स को बताया कि आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो, सो उनका रिएक्शन क्या था? फैमिली का तो ऐसा है कि लाइक फैमिली इज सपोर्टिव, सो प्राइमरीली इट्स माई स्पाउस हु इज वेरी सपोर्टिव एंड देन माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स। उनका तो यही था पेरेंट्स का कि ठीक है, इट्स इज योर लाइफ, इफ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग सो हार्ड कि भैया हो जाए पीआर हो जाए, नहीं हो रही इफ दिस इज अनदर वे, सो यू नो जस्ट थिंक थ्रू एंड सिंस यू गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इन इट, गो फॉर इट, डोंट वरी, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सपोर्ट दैट आई गॉट, सो आई गो वेंट अहेड विद दैट। गुड टू हियर दैट। आपने अप्लाई करने के कितने टाइम बाद आपका वीजा आया? वीजा इफ आई से आफ्टर एप्लीकेशन आई थिंक नियर अबाउट 2022 डेज लगे होंगे एप्लीकेशन के बाद आ गया था। ओके सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पेहर इंटरनेशनल के साथ, एज यू लिविंग इन दिल्ली एंड स्पेहर इंटरनेशनल मोहाली में है, सो आपने कोऑर्डिनेट उनसे कैसे किया, कितनी बारी आपको आना पड़ा, कैसा आपका एक्सपीरियंस था, आप सेटिस्फाइड रहे, कैसा था सब एक्सपीरियंस? इफ यू आस्क मी अबाउट कि आना पड़ा कि नहीं, सो जब तक मेरी मतलब फाइल अप्लाई करने के बाद एक बारी मैं आया था, वो भी मेरे को बुलाया नहीं गया था, ना कोई जरूरत थी आने की, मेरा कोई पर्सनल मैटर था तो मैं आ ही रहा था, तो आई विजिटेड द ऑफिस एंड आई आल्सो मेट अभिषेक सर दैट डे। बट फॉर द वर्क पर्सपेक्टिव इफ आई से मेरे को एक दिन भी आने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ फोन पे हो रहा था, इनफैक्ट हम लोग व्हाट्सएप से डील कर रहे थे, काफी सारी बातें हो रही थी, एंड देन जिस तरह से कम्युनिकेशन एक चैनल क्रिएट किया था अभिषेक ने, इट वॉज रियली हेल्पफुल, मतलब देर वॉज नो गैप, तो I never felt a need of, you know, visiting the office personally. So this is how it went. It was very smooth. Ma'am, how was your experience with Payer International? It was overall good कि हमें ज़्यादा follow-ups नहीं करने पड़े और visit नहीं करना पड़ा, calls भी कमी करनी पड़ी है क्योंकि पहले ही सब कुछ clear था, जो भी experience था husband का उसके basis पे उन्होंने case pick किया, तो it was really good experience. And plus मैंने काफी questions पहले उनसे पूछे थे और उन्होंने कभी, अभिषेक सर ने स्पेसिफिकली कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं करी गलत, उन्होंने हमेशा बोला कि इफ दिस इज गोइंग टू हैपन इट इज गोइंग टू हैपन, मेरे कुछ गलत बोलने से कोई चीज होने नहीं वाली है, तो ही वाज वेरी ऑनेस्ट इन दैट, जो कि मुझे वाकई में अच्छा भी लगा, यू नो ही इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट एट टाइम्स, यू माइट फील दैट व्हाई इज ही यू नो सो ब्लंट, बट आई थिंक दैट इज व्हाट द
थिंग रियली मैटर्स. ही इज वेरी ट्रू इन दैट पॉइंट कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो देर इज अ बेस टू इट एंड दोज थिंग रियली मैटर. सो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा रादर देन ही अग्रीइंग टू एवरीथिंग. ओके, सो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं पीआर के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए और काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, दो तीन तीन साल से वेट कर रहे हैं. सो आप उनको क्या बताना चाहेंगे स्टडी वीजा के बारे में, उनको अप्लाई करना चाहिए स्टडी वीजा के बारे में जो उनको अभी भी वेट करनी चाहिए अपने पीआर के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए? राइट, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बाकी रेस्ट इज एवरीबॉडीज पर्सनल कॉल. बट वर्क परमिट एज सच, पीपल हु वेट फॉर वर्क परमिट या वो पैसा इधर उधर लगाते हैं, काफी जगह पे बहुत महंगा भी है. I don't know how you know true are these kind of things happening in the market, but I think yahan se rehke ye cheeze possible hoti nahi hai, but there are people in the market who commit ke hoti hain and I'm sure ke that is there must be a way, but mera personal experience hai ki rather than you know trying that gamble, it is better to go through a very foolproof way which is study. Of course टफ होगा, बिल्कुल होगा, बाकी चैनल्स भी टफ हैं, कोई इजी नहीं है. वर्क अगर आप लेते हैं किसी से पैसा देके तो मतलब कैसे भी आप लेते हैं वो भी टफ है, वो भी चैलेंजिंग है. यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, आप अगर पीआर का वेट करते हैं अगेन यू आर यू नो इन्वेस्टिंग योर ईयर्स. तो अब आपकी पर्सनल कॉल है, आपकी पर्सनल यू नो फाइनेंशियल मैटर्स एंड पर्सनल मैटर्स के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए. बट मेरा पर्सनल इफ यू आस्क मी हाउ वुड आई यू नो गिव माय थॉट टू इट इज आई वुड से दैट गो हेड विद द स्टडी थिंग, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. Okay, really good to hear all these things about from you. It's really good to hear all these things about Spearhead. Thank you so much. All the very best for future. Thank you.